दोस्त जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है हॉस्टल के लोंडे। वहाँ पे ये कभी मिमिक्री कर रहे होते हैं, कभी डकी भाई बन रहे होते हैं, और इसके अलावा कभी लड़कियों वाला अबाया पहन के अपने टी शर्ट के साथ प्रैंक करते हैं। कितनी कमाई कर रहे हैं और ये वायरल कब हुए? हमने दो टीचर को जब फिर डाली है, बाकी जूनियर्स को सीनियर्स को महक मलिक जैसी लजक नहीं है मेरे में। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम उस्मान है, मुझे उर्फ डकी भाई भी कहते हैं। नकली डकी भाई? नकली, चाइना का डकी भाई। क्यों, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि यार मैं डकी की तरह इंट्रो करता हूँ, डकी की तरह बोलता हूँ, डकी की तरह सब कुछ करता हूँ। बोल के दिखाए हम यार, रूप 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 यार, क्या करियो यार, ऐसे बोलता है। ये सारे कमेंट्स में ये बोलते हैं कि आप डकी भाई लगते हो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता। उनका कोई रिएक्शन भी, डकी भाई का कोई रिएक्शन दे के, यार रूप मैंने तुम्हें कहा था यार, क्या करियो यार, ये चुड़ैल लग रही, बांदर लग रही, चुड़ैल चुड़ैल लग रही है यार, अरे रूप क्या कर दिया यार तुम बगैर मेकअप के। अरे ये सारी आपकी टीम है? ये सारी मेरी टीम। क्या नाम है, इनके नाम भी बता दो। ये अबू बकर भाई हैं, ये फातिमा, ये हमारी उर्फा रिमसा बाजी हैं, ये हमारी जो हैं जुगत बाज हैं। अच्छा। ये फरवा बाजी हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये आइडिया किसका होता है प्रैंक्स वगैरह करने का, ये जब लड़की बनते हैं तो आपने आइडिया दिया, और अबाया वगैरह कौन देता है? ऑब्वियसली मैं। असल में आइडिया पूरी टीम का होता है, हम पहले ना सारे का सारा डिसाइड करते हैं कि ये वाला प्रैंक है, आजकल क्या सीन चल रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, कैसे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सारा कुछ डिसाइड करते हैं। कोई ऐसा फनी वाक्य आपको लगता है कि वो उस जितना शुगल कहीं भी नहीं लगा था, वो वाला वाक्य आपने बताना है? मुझे ये लगता है कि सबसे फ़नी वाला जो था ना, वो जब अबाया पहना था इन्होंने, तो जो हमारे टीचर्स के साथ इन्होंने प्रैंक किया था ना, वो वाला रिएक्शन, और उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी वो देखने में जो चीज़ अलग थी, वो लेवल था, वो कहीं नहीं मिल सकता ना। टीचर्स का क्या रिएक्शन? एक टीचर को तो इन्होंने हक कर लिया, वो लाइक मेरे साथ हो क्या गया है। अच्छा जब गौर से आंखों को देखा, देन दे रियलाइज कि यार अच्छा ये उस्मान है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई अर्निंग वगैरह भी हो रही है इससे? जी माशाल्लाह हैंडसम अमाउंट आ जाती है, इतना कितना गुजारा चल जाता है। कितना गुजारा होता है? इतने बच्चे पाल रहा हूँ, ये इतना गुजारा हो जाता है। कौन कौन से प्रैंक करते हैं आप? हम लड़की वाला प्रैंक करते हैं, लड़की बन के किसी को जप्पी डाल ली, जैसे हमने सर को जप्पी डाली थी, उसके बाद वो ब्लॉग में लड़कियों वाली लचक भी आ जाती है आपके अंदर? लचक नहीं आती, देखने कमेंट्स में तो आता है कि अल्लाह माफ करे इड्डी बड़ी कुड़ी, ऐसा वो लग रहा है। नहीं लड़की की इस तरह करे ना कि आप अबाया पहने और साथ डोले भी ऐसे करके दिखा दिया करें। पता है इतनी लंबी चौड़ी, आपने पूछा था कि अबाया उनसे क्यों लेते हो, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी माशाल्लाह वही है, और यहाँ तक आता है माशाल्लाह, तो पूरा नहीं आता, तो देखने वाले भी कहते हैं भाई जान हो क्या लग रहे हैं ये वाले, ये क्या होता है? ये वो दबो ये। अच्छा महक मलिक? महक मलिक। उतने पैसे आप भी कमाते? नहीं महक मलिक जैसी लजक नहीं है मेरे में। अच्छा मुझे बताएं कि ये कॉलेज कौन सा है और किस किस कॉलेज में जाके प्रैंक्स वगैरह करते हैं? ये हमारा जो कॉलेज है लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, पंजाब का पहला फार्मेसी कॉलेज है, और उसके बाद सुपीरियर जाता रहता हूँ, ठीक है युवास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सही है। कितने टीचर्स को अभी तक जफ्फियाँ डाल चुकी? हमने दो टीचर्स को जफ्फियाँ डाली हैं, बाकी जूनियर्स को सीनियर्स को। एक टीचर तो हमारे अभी कैमरा में नहीं आते। अच्छा। कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे से नाराज़ हो गए। क्यों, क्या वजह? उनको क्लिप्स भेज भेज के कह रहे हैं गलत कुड़ियां ना जफियाँ पा रहे। अबाया वाला था मेन कंटेंट, उसके बाद जैनब के पापा, जैनब की मामा। जैनब के पापा वाला वो उस तरह करके दिखाए जरा। जैनब की मामा कौन बनती है पहले ये? जैनब की मामा, जैनब के पापा, जैनब की मामा, दुआ कहाँ पे है? जैनब के पाजी, ये जैनब है, ये दुआ है, ये दुआ। जैनब की मामा क्या बनाया आज खाने में? जैनब के पापा आलू बनाने का सोच रही हूँ। दुआ बेटा, आलू तो था के ये आलू हो गई है। आलू खा खा के क्या हो गई है? आलू बन गई है, देखें तो जरा मम्मा जी। दुआ बेटा। जी मम्मा जी, तुम रुको जरा, थम गई। आप क्या, आपका क्या इसमें? जैनब का कोई डायलॉग सुना? दुआ मम्मा को ऐसा नहीं कहते होते, मम्मा तुमसे भरी है। अच्छा आपी जी, बात तो तुम सुनती नहीं हो किसी की, तो मैं किसकी बात सुनूं? एक बार हमारे पास मोहम्मद था, हमने उसको वीडियो में ले लिया, और उसने ना वीडियो में बोल दिया कि मेरी ना पोती निकल आई है। तो उसको ना पोती निकल आई है। तो उस पोती के बाद ना उसे पता नहीं किसने बोल दिया, किसी लड़की ने बोल दिया कि भैया ना आपकी पोती निकल आई है, उसको छेड़ा, वो उस दिन से वीडियो में नहीं आता। उसकी तो छेड़ बन गई होगी, पोती पोती होगी जब हम अब उसके लिए सारे कर दें। ये उसका जवाब। अच्छा मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स क्या आता है कॉलेज की तरफ से, जो आपके प्रिंसिपल हैं टीचर हैं वो सपोर्ट करते हैं कि चलो यार प्रैंक्स वगैरह कर लो? जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि LCPS इज़ फैमिली,
और ये सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स मतलब एक से ज़्यादा एक सपोर्ट करते हैं और सब बोलते हैं आप कॉलेज आए हैं ठीक है आपको टीचर्स ने रिसीव किया है ठीक है टीचर्स ने रिसीव किया है और इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि LCPS इज़ लाइक अ फैमिली और ऐसे फैमिली की तरह डील करते हैं जी। अच्छा हॉस्टल के लोंडे आपने नाम रखा हुआ है तो लड़कियां भी साथ हैं तो हॉस्टल की लोंडियां क्यों नहीं नाम रखा आपने? ये लोंडियां दरअसल बाद में आई हैं लोंडे पहले आए थे। अच्छा। तो हॉस्टल में बैठे थे हमने सोचा चलो कुछ नया कर लिया जाए छोटे भाई ने चैनल बनाया ठीक है वो अभी ऑस्ट्रेलिया तो उसने चैनल बनाया कहता यार उस्मान व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमने सोचा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। उसने पूछा क्या नाम रखे मैंने कहा हॉस्टल के लड़के कहता नहीं लोंडे। अच्छा। हमने लोंडे रख लिया बाद में लोंडियां बाद में आ गया हमें पता नहीं चला। अच्छा। कोई गाना आप लोग आपस में गाते हैं शुगल मेला चलो ऑफ कैमरा भी बातें वगैरह तो होती होंगी कोई सॉन्ग वगैरह गाते हैं कि नहीं गाते? बदोबदी वो चाहत फजल खान के फैन जी वही वाला चलो तो फिर हो जाए जरा वो सुनाए हमें भी। आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए बदोबदी 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 आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी अगे नहीं होता मैनू आए हाय ओए होए। अच्छा सबसे पहले तो आपस में जो शुगल होता है एक दूसरे के जाहिर बात है जब काम करते हैं तो झुकते भी होती हैं मजाक भी होता है लड़ाइयाँ भी होती हैं तो क्यों झुकते हैं सबसे पहले एक दूसरे को एक एक मार के दिखाएं कि हमें पता चलना चाहिए मेरी ऑडियंस को कि वाकई आप लोग फनी हैं। जब उस्मान भाई पैदा हुआ ना डॉक्टर पर जब जाया तो आके कहता मैडम आके कीता आके कीता सही है ये भी सही है ये चलें जी अब जवाब आना चाहिए लड़के पीछे नहीं रहने चाहिए। जब रिमसा पैदा हुई ना मैं रिमसा भाजी पैदा हुई तो नर्स आई है भज के इदा परेशान रही है आंटी वेखी आंटी ने इदा वेख्या कहती ओह नो भाजी हुण तां हो गया हुण जो होना सी हो गया। आप हाथ बांध के खड़े हैं असेंबली में आए हुए हैं? नहीं नहीं सर हम असेंबली में किधर आए हुए हैं। आप भी कोई बात करें ना चुप क्यों है? नहीं मैं उसके साथ इंस्टाग्राम रील्स में ज्यादातर आता हूं। जब ये लड़की बनते हैं तो आप मेल तो नहीं बनते फिर? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बनता ये तो जब पैदा हुआ क्योंकि अच्छा ये तो जब पैदा हुआ था डॉक्टर ने बोला था ओह नो चुप हुई हम शर्मिंदा। नहीं नहीं चुप नहीं हुई असल में दूध सोडी ने मना किया। आप लोग मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियोस मिलियंस में भी जा रही हैं टिकटॉक पे भी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं डकी भाई तक गई है आपकी वीडियो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आया? डकी भाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि डकी भाई सारे तकरीबन मोर देन 200K मेंशंस होते हैं वीडियो पे कि डकी भाई आप देखें इसको रोस्ट करें मैंने रोस्ट ही कर दो लेकिन आते जो ठीक है मैं रोस्टिंग मेरे ख्याल से उन्होंने बंद कर जी जी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए शायद उनकी जो है थोड़ी सी बातें मेरे में उनकी कुत्तों वाली करके उसके बाद आप उनके फ़ैन हैं बहुत बड़ा फ़ैन उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। आप लोग इतनी शुगल मेला लगाते हैं तो कोई पढ़ाई में भी दिल लगता है कि नहीं लगता? जी जी लग तो जाता है लेकिन जब रिजल्ट आता है कोई यकीन नहीं करता जब हम पास हो जाते हैं सारे हैरान होते हैं सारे पास हो जाते सारे पास हो जाते दुआ की मम्मा भी पास हो जाती है पास भी हो जाती ठीक है। अच्छा मुझे बताएं सबसे ज्यादा क्लास में भी शुगल लगता होगा जाहिरी बात है तो कौन आप में से सबसे ज्यादा शुगली कौन? मैं ही। अच्छा कोई ऐसी बात जो आप इनको करना चाहें अभी तक आपने कभी भी लाइफ में इनको नहीं की लेकिन वो दिल की बात? बस दिल से इनको जब देखती हूँ तो दिल से निकलता है भाई बहुत ही वड्डा मुंह तुहाडा भाजी मुंह एड्डा ही हुंदा है जिड्डा तुहाडा मुंह है बटन हुंदे ने चलो साडे ते बटन ही सही तुहाडा की चौरस लोटा जी हुंदा है। अच्छा इहदा मुंह पता किंजदा है जिवें इकला तला मच्छर हुंदा है आप कदी वेख्या तुसीं इंजला जिवें 7 अप दा हीरो ओह नो ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ ਆਪ ਲੋਕ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਤੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਘਰ ਮੇ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ? ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪੇ ਟਰਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਲੋਗ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ऐसा ही है और ज़्यादा बेसिक जो लड़की को इशू यही होता है कि उन्होंने फेस रिवील ना करें घर वालों को भी यही इशू होता है तो इसलिए मेरे घर वालों को भी कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरा तो फुल बॉडी भी कवर्ड होती है तो इस वजह से ये एक ऐसे ही उस्मान भाई पे सबको सबका भी ट्रस्ट है। उस्मान भाई भाई मैं भी उस्मान भाई को पीर बनाने लगा गोडे नु हाथ लाओ तुसी नहीं गोडे वाले पीर नहीं। अच्छा हमें हमारे घर में हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मतलब वो जोन ही नहीं दिया कि कोई अनकंफर्टेबल हो तो एक फैमिली की तरह हम बना रहे हैं। तमाम दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जल्दी जल्दी इस काबिल कर दो कि इंशाल्लाह जाके डकी भाई मिल खुद मिलन आ जान असी ना जाइए इंशाल्लाह उसका बिल भी जल्दी टाइम आएगा और वो टाइम आएगा इंशाल्लाह।